खिल्ली उड़ाने वाली ननद। आकांक्षा की शादी किशनगढ़ नाम के गांव में धीरज के साथ हुई। घर में आकांक्षा के सास ससुर और एक ननद थी जिसका नाम था रुचि। वैसे तो घर में सब मिलजुल कर ही रहते थे पर रुचि का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों की खिल्ली उड़ाती थी। एक दिन आकांक्षा और धीरज बाहर घूमने जा रहे थे। आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी थी। अरे वाह बहू, तू तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। तभी रुचि वहाँ आ जाती है। रुचि आकांक्षा को देखती है तो उसे उसकी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आय हाय भाभी, ये कैसी साड़ी पहनकर जा रही हो आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लाल साड़ी में एकदम टमाटर लग रही हो। आकांक्षा को रुचि के इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ए रुचि, तुम इस तरह से मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, समझी? छोटी हो छोटी ही रहो। मैंने तो जो कहा सची कहा। जैसे कि ये जो झुमके पहने हैं ना, इतने भारी। ध्यान रखना भाभी, कहीं कान ही ना कट जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है। धीरज बात संभालने की कोशिश करता है। चलो आकांक्षा, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कोई फिल्म देखने। आकांक्षा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब रुचि को डांटते हैं। रुचि, तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। बस हर किसी का मजाक उड़ाती रहती हो। मैंने क्या कहा भैया? मुझे तो सच में भाभी के कपड़ों पर हंसी आई। फिल्म देखने से ज्यादा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही थी। रुचि हंसते हंसते अपने कमरे में चली जाती है। रुचि की इस आदत ने सबको बहुत परेशान कर रखा था। उसे हर किसी का मजाक बनाने की अब तो आदत सी हो गई थी। एक दिन आकांक्षा और उसके सास टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे थे। तभी वहाँ रुचि आ जाती है। क्या आप दोनों बेकार के सास बहू के सीरियल्स देखती रहती हो? कुछ समझदारी वाले भी सीरियल्स देख लिया करो ना। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी देखें, तुम्हें उससे क्या? भाभी, सच क्यों नहीं कहती कि इन सीरियल्स के अलावा कुछ देखने का आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। रुचि हंसने लग जाती है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रुचि भी ना, कभी कभी तो हद ही करती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल इसकी सहेलियाँ आ रही है ना, उनके सामने ये बहुत समझदार बनती है, अच्छा सबक सिखाएंगे इसको। तुम सही कह रही हो बहू, सबक तो इसे सिखाना ही होगा। अगले दिन रुचि की कॉलेज की सहेलियाँ उसके घर आती है। उनके सामने रुचि बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रही होती है। मैंने प्रेमचंद की नॉवेल पढ़े हैं, कोमल गरीबी के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी कहानियाँ लिखी है। तुम्हें तो साहित्य कला की काफी जानकारी है रुचि। कल हमारे कॉलेज में साहित्य पर एक वर्कशॉप होने वाला है, तुम चलोगी ना? बिल्कुल चलूंगी कोमल। अरे राधिका, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो, रुको मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम यही रुको। रुचि को अपनी सहेलियों से इतने अच्छे से बातें करते देख आकांक्षा अपनी सास से कहती है, ये देखिए मम्मी जी अपनी सहेलियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। हाँ, बस अपने घर वालों को ही कुछ नहीं समझती। तभी आकांक्षा को एक तरकीब सूझती है। मुझे एक तरकीब सूझी है मम्मी जी, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। अच्छा चल चल बहू। आकांक्षा सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है और जानबूझकर हर चीज को मिला देती है। कोल्ड ड्रिंक को कप में डाल देती है। तभी वहाँ रुचि आती है और रुचि खाने का ऐसा इंतजाम देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी आप भी ना एकदम गवार के गवार हो, कोल्ड ड्रिंक कप में कौन परोसता है? अभी ठीक कर दी थी रुचि, और ये समोसे और चटनी एक साथ क्यों मिला दिए आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने भाभी? रुचि की सहेलियां रुचि पर ऐसे बातें करते देख दंग रह जाती है। अरे रुचि, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? रुचि अब आकांक्षा का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय के कप में लेकर आई है।
रुचि की सहेलियों को इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आती। रुचि, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे, पर तुम ऐसी होगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ, बातें तो इतनी ज्ञानों वाली करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है, इसमें तो तमीज ही नहीं है। हम तो चले भाई, और आज से तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रहोगी। पहले लोगों से बात करने का ढंग सीख लो, फिर कुछ और सीखना। अरे अरे, आप लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी। हर किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है रुचि। रुचि के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहाँ से चले जाते हैं और रुचि को अपने बुरे बर्ताव का परिणाम आज भुगतना पड़ता है। आकांक्षा और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। इस घटना के बाद रुचि सबसे अच्छे से पेश आती थी और उसने सबका मजाक उड़ाना भी छोड़ दिया।